डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार हम जा रहे हैं सिक्किम और दार्जिलिंग, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। मुंबई से न्यू जलपाईगुड़ी का सफ़र यह ट्रेन करीबन 36 घंटों में पूरा करती है और इस दौरान यह भारत के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आखिर में वेस्ट बंगाल आता है। वैसे तो हमारी ट्रेन को 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाना था, लेकिन वह लेट हो गई और हम 1.5-2 घंटे लेट पहुंचे और पहुंचते पहुंचते रात के करीबन 11 बज चुके थे। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक का सफ़र करीबन 120 किलोमीटर है, जिसे पूरे करने में करीबन 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन रात के समय यह सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यह रास्ता पहाड़ी से भरा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि भाई हम रात को ना जाए, लेकिन हमने तो ठान ली थी कि हम आज ही चलेंगे। करीब सुबह 4:30 बजे हम अपने रूम पर पहुंचे होंगे। कब सोए कब उठे तो पता ही नहीं, मगर सुबह उठते ही हमने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो जो कुदरत हमारे सामने थी उसको देखते ही हमारे होश उड़ गए। होटल का कमरा भी साफ सुथरा था। हम सब तैयार हो रहे थे कि अचानक खिड़की से बाहर हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर ध्यान गया तो देखा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और नज़दीक से देखने में पता चला कि हमारे होटल के नज़दीक ही एक हेलीपैड भी है जहाँ से यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यात्री को घुमाकर वापस आ रहा है। हमने तो आज साइट सीइंग का प्रोग्राम बना लिया था। हमारा ड्राइवर विनोद समय पर हमें रूम पर लेने आ गया और हम उसके साथ निकल पड़े, जिसमें हम आज अलग अलग प्लेसेस देखने वाले थे। परिवार के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है ना दोस्तों? गैंगटॉक की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम आ पहुंचे बक्तांग फॉल। बक्तांग फॉल हमारा पहला गंतव्य था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर, और यहाँ पे ज़िपलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है जहाँ पे आप छोटी एक ज़िपलाइन पर एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों हमसे भी रहा ना गया, हमने जब देखा सभी लोगों को तैयार होकर फोटो खिंचवाते हुए तो हम भी लग पड़े। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ के लोग आपको इतने फटाफट तैयार कर देंगे कि आपको भरोसा ही नहीं होगा, और इतने अच्छी तरह तैयार करेंगे कि सर से पैर तक आप बिल्कुल यहाँ के लोकल लगेंगे। तो देखा दोस्तों, ऐसे चुटकी बजा कर इन्होंने हमें तैयार कर दिया। इनके पास मोस्ट ऑफ द ड्रेस तैयार ही होते हैं, खाली इन्हें ऊपर से पहनाना होता है और थोड़े से कॉस्ट्यूम और एक्सेसरी डाल दिए तो बन गए हम पूरे सिक्किमिस। तो आखिर में हमने भी ये पहन लिया और निकल पड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए। बताइएगा हमारे फ़ोटो कैसे हैं? यहाँ से निकलकर हम चले अपनी अगली मंजिल की ओर, जो था ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट एक थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ स्थल है जहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर आप जाके आप ऊपर से पूरे गैंगटॉक सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर से ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चले साथ मिलकर देखते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ जरूर चढ़नी पड़ेगी, लेकिन जैसे आप ऊपर आओगे तो ऊपर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। यहाँ से आप थोड़ा आगे गुजरेंगे
तो आपको ऊपर से पूरा गैंगटोक दिखाई देगा, पहाड़ियाँ, बादल, और दूर दूर कहीं आपको थोड़े बर्फीले पहाड़ भी दिखेंगे। हम अक्टूबर की सीज़न में आए थे, इसके लिए यहाँ पर आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन दूर जो ऊंचाई पर पहाड़ है वहाँ पे आपको थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे सकती है। अब इतनी खूबसूरत जगह पे आए हैं तो फोटो खींचने तो बनते ही हैं दोस्तों, तो हो जाए और एक फोटो सेशन। हम यहाँ इतने एक्साइटेड थे कि हम होटल में नाश्ता करना भी भूल गए। अब हमें लग रही थी भूख, तो यहाँ पर एक छोटी सी होटल देखी तो हमने सोचा यहाँ पे नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता करके हम यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए निकल पड़े हमारे अगले स्थान की ओर, जो था ल्हासा फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉल्स काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। ल्हासा फॉल्स दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक झरना है। वैसे यहाँ पे इसे कुछ देखने के लिए कुछ खास नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा कि कुदरत में तो आपको जो देखने मिल जाए आप उसका मज़ा ले सकते हो। एक छोटा सा लकड़ी का पुल है जिसे आप पार कर कर सामने एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, जिसका भी नाम भी ल्हासा कैफ़े ही है। वहाँ पर आप जाके थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हो। वहाँ पे आप चाउमीन है, मोमोज है, या कॉफ़ी का मज़ा भी ले सकते हो और साथ में कुदरत का आनंद उठा सकते हो। ल्हासा फॉल से कुछ ही दूरी पर है प्लांट कंजर्वेटरी, इसे आप बोटानिकल गार्डन भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको करीबन 10 रुपया एंट्री टिकट चुकाना पड़ेगा। अंदर आपको काफ़ी चलने के बाद में बहुत सारे आपको पेड़ दिखाई देंगे जहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। वैसे तो यहाँ पे गाइड होना चाहिए, पर हमारे समय तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम खुद ही आगे चल पड़े। काफ़ी अंदर अंदर चलने के बाद हमें वहाँ पे दो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस दिखे, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे। कुछ ज़्यादा तो पता चला नहीं, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ते हुए हम वहाँ से भी थोड़े आगे चले। और आगे गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लास का हाउस बना हुआ था, पर वो बाहर से लॉक था। और आसपास वहाँ पर काफ़ी सारे फूलों की जानकारी थी जो शायद इस प्रदेश में उगते हैं। अभी ये ख़त्म कहाँ हुआ था, हमने देखा तो एक रास्ता ऊपर की ओर भी जा रहा है, तो हम भी उस पर चल पड़े। कुछ चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हम सोच रहे थे ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो आखिर हमारी नज़र पड़ी एक व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट पहुँचते ही हमने देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल था दोस्तों। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले से ही कुछ पर्यटक है जो वाटरफॉल के पास अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी इस चीज़ का आनंद ले लें। जैसे ही वो वहाँ से हटे, हमने भी वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी। फोटोग्राफी ख़त्म करके अब हम पहुँचे हैं गणेश टॉक। गणेश टॉक एक व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे गणेश जी का मंदिर भी है। आप गणेश जी के दर्शन के साथ में गैंगटॉक सिटी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको गैंगटॉक सिटी का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। यहाँ पे आप पहाड़ों के बीच में बनी हुई गैंगटॉक सिटी को काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से इन पहाड़ियों के बीच में एक पूरा शहर बसा हुआ है, और वो भी खूबसूरत शहर।
गणेश टॉक से निकलकर अभी हम जा रहे हैं हनुमान टॉक की ओर। हनुमान टॉक एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ पे जाने के लिए आपको काफ़ी घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप जैसे ही ऊपर पहुँचोगे, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। हमारी गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी कर मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर परिसर काफ़ी साफ सुथरा था और इसका रखरखाव भी बहुत अच्छे से किया गया था। हमें ऊपर जाने के बाद पता चला कि यह जो मंदिर है, ये आर्मी वाले मेंटेन कर रहे हैं, तभी इतनी खूबसूरती से इसको रखा गया है। यहाँ तक कि इसकी पूजा भी जो है, यह आर्मी के सोल्जर ही करते हैं। वाह, सलाम है इंडियन आर्मी को। मुख्य मंदिर की सामने
थे। देखे तो सही ऊपर से ये शहर कैसा दिखाई देता है, और यकीन मानिए दोस्तों, आप भी जब इसे देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। ऐसे लग रहा था जैसे कि हम कोई छोटे से पंछी है और हम इस शहर के ऊपर से उड़ रहे हैं, और मेरे कैमरे ने ये सारी चीज़ें आपके लिए कैद कर ली है। आप घर बैठे इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, लग रहा है बिल्कुल पंछी के